हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम पहुंच चुके हैं अटलांटा सिटी में अपने दोस्त हर्षित भाई के साथ। हर्षित हमारे तिकोनिया के मित्र है, हल्द्वानी और द्वाराट में साथ ही पढ़ा है हमने। तो हर्षित भाई हमें यहाँ शहर की चकाचौंध दिखा रहे हैं। आज बहुत मज़ेदार शहर है भाई अटलांटा, पोर्टलैंड बहुत ही मतलब छोटा सा शहर है उसके कंपेरिजन में। भी दिखाता हूँ आपको बाहर का सीन यहाँ का। ये हर्षित भाई का ऑफिस हनीवेल, जहाँ काम करते हैं हमारे हर्षित भाई। सबसे ऊपर वाले फ्लोर में बैठते हैं, कभी छत में बैठ जाते हैं। दोस्तों हर्षित भाई आ गए थे यहाँ अटलांटा में 2 साल पहले। कितना, 2 साल हो गया ना सर? उसके बाद कहाँ रहता है तू यहाँ पर? सैंडिस। हर्षित भाई सैंडी स्प्रिंग्स में रहते हैं। यहाँ से कि 30-35 माइल दूर होगा ना हर्षित? नहीं, 12 माइल। 12 माइल दूर है यहाँ से, लेकिन आने में टाइम लग गया क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक यहाँ ज़्यादा ही रहता है। दोस्तों हर्षित भाई हमें ले आए हैं यहाँ फॉक्स थिएटर की तरफ। यहाँ आज तो कोई इवेंट चल रहा है तो काफ़ी भीड़ हो रही है। अभी दिखाएंगे आपको भीड़। मुझे लगा पहले भीड़ देखी कि मोदी जी तो नहीं आ गए यहाँ, कुछ इवेंट ही चल रहा है शायद। जो मैं इवेंट का बता रहा था आपको, आगे सीन दिखाता हूँ। यहाँ भीड़ हो रही है इवेंट, आपको भीड़ दिख रही होगी यहाँ पर, खतरनाक वाली भीड़ चल रही है। ये है वो फॉक्स थिएटर। दोस्तों हर्षित भाई हमें वर्ल्ड ऑफ कोको कोला में लेके आ गए हैं। यहाँ पर इसका है क्या, है म्यूजियम है क्या? कोको कोला का म्यूजियम है। अंदर जाके बहुत अलग अलग टाइप के क्या है, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है और उनके अलग अलग जो फ्लेवर्स हैं निकाले हैं उन्होंने, उसके बारे में है सब कुछ। और वोल्ट में क्या रखा है हर्षित? रेसिपी है, वो एक वोल्ट है वहाँ पर, उसमें उन लोगों ने रेसिपी रखी है कोको कोला की, ऐसा बोलते हैं। तो हल्का सा आपको दिखा देता हूँ ये वर्ल्ड ऑफ कोको कोला को। अभी तो अंदर इनकी एंट्री बंद है, रात हो गई है इस वजह से। इस टाइप से और कोकोला की बोतल रखी है ऊपर। दोस्तों ये हल्द्वानी में वाटिका का जो है, वहाँ वाटिका वालों को देख के इन लोगों ने लगा दिया यहाँ पर शादी का। अगली बार तुम्हारे वहाँ शादी हो किसी की तो इसका ऐसा कर लेना, बढ़िया लग रहा है ना। दोस्तों हम आगे हैं ओलंपिक पार्क में, बहुत ही बेहतरीन पार्क है, बड़ा पार्क। हर्षित भाई अंदर चले गए हैं। दोस्तों ये हम आए हैं ओलंपिक पार्क के अंदर, और ये ओलंपिक पार्क का नाम जो है इनके चचा की वजह से पड़ा है। ये चचा हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट, बैरन कोटमैन है इनका नाम। अगर यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं तो ओलंपिक का सिंबल भी है यहाँ पर। इधर साइड से पूरा दिखाता हूँ आपको व्यू। और दोस्तों ओलंपिक पार्क से एक बार व्यू तो देखो, यहाँ CNN का ऑफिस है, वहाँ ओमनी होटल है, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर और है, यहाँ पर स्काई व्हील है। हर्षित भाई स्काई व्हील के सामने बिल्कुल अपने, द लेगेसी होटल है, उसके बाद वो हिल्टन ऑनर्स है। दोस्तों एक और नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। कैसा है यह है दोस्तों पॉन सिटी मार्केट। दोस्तों हम एक शॉप में आए हैं, यहाँ पे बोटी वाला चाय मिलती है, बहुत बढ़िया। बाकी सामान भी मिलता है, थोड़ा चाट वाट इस टाइप से। वो बड़ा क्लासिकल टाइप का लुक है इस दुकान का। ये देखो गब्बर की बसन, गब्बर की असली बसन, गोटी वाला ऐसे है ये दुकान।
बोटी वाला जो हमने ऑर्डर किया है वो ये है, चाय और बालाजी बिस्किट। दोस्तों ये बोटी वाले का पीछे बैठने वाला भी है, बड़ा बढ़िया बना रखा है इन्हें फूलों से सजा के। गर्मियों के दिनों में हर चीज़ बता रहे हैं पूरा फुल रहता है, आजकल तो कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे। बेहतरीन मंडप, मंडप टाइप का लग रहा है यार ये तो, है शादी भी कर सकते हैं। दोस्तों घूम के आ गए हैं वापस मैं और अर्षित भाई, अभी अब जाते हैं ऊपर कमरे में, आज का तो सोएंगे, कल टेनेसी जाना है हमने, तो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।